जॉइंट फैमिली। रोशनी, अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, सब तेरे लिए लड़का देख रहे हैं और तू है कि 8-9 बजे बिस्तर से उठ रही है। मम्मी, क्या आप भी सुबह सुबह ज्ञान दे रही हो, सोने तो दो कम से कम। क्या करें, अब तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। चल अब बिस्तर छोड़ और मेरे साथ खाना बनाना सीख। ना, मैं नहीं बना रही खाना वाना, आप प्लीज जाइए ना यहाँ से। रोशनी की बातों से निराश होकर निशा वहाँ से चली जाती है। निशा, तुम रोशनी को घर का कामकाज क्यों नहीं सिखाती? अगर यही हाल रहा फिर तो 2 दिन में उसके ससुराल वाले उसे यहाँ छोड़कर चल देंगे। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ उसे घर की जिम्मेदारियाँ सिखाने की, लेकिन वो मेरी सुने तब ना। आप तो जानते ही है ना कि वो कितनी जिद्दी है। हमें निशा के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जिसका भरा पूरा परिवार, सास ससुर से लेकर जेठ जिठानी देवर ननद सब, यहाँ ना सही लेकिन शादी के बाद उसे वहाँ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होगा। कुछ दिनों के बाद रोशनी का परिवार उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता है और एक दिन चिराग नाम का लड़का रोशनी को देखने अपने परिवार के साथ उसके घर पहुंच जाता है। देखिए भाई साहब, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए अगर आपकी लड़की हमारे घर की जिम्मेदारियाँ बिना ना नुकुर के उठा सकती है तभी हम ये रिश्ता पक्का करेंगे। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है बहन जी, हमारी रोशनी आपके पूरे परिवार को बैठे बैठे खिला सकती है, इतनी जिम्मेदार है मेरी बेटी। अगर ऐसी बात है फिर तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर चट मंगनी पट ब्याह के बारे में क्या ख्याल है? हाँ हाँ बिल्कुल, शादी में देर किस बात की, 3 हफ्ते बाद ही शादी का शुभ योग है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम इनकी शादी भी 3 हफ्ते बाद ही करा देते हैं। अरे हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद रोशनी की शादी चिराग से करा दी जाती है। शादी के बाद, बहू इनसे मिलो, ये है तुम्हारी दादी सास, ये बड़ी सास और बड़े ससुर, ये तुम्हारे जेठ, ये जिठानी, ये दोनों तुम्हारे देवर और ये इस परिवार की सबसे छोटी बेटी सिमरन यानी कि तुम्हारी ननद है। परिवार में इतने सारे लोगों को देखकर रोशनी का सर चकरा जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ये किस जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो आपने मुझे ऐसा परिवार दिया। बेटा किस सोच में पड़ गई तुम? और कितने लोग हैं आपके परिवार में? बस हम इतने ही लोग हैं बेटा, ज्यादा लंबा परिवार नहीं है हमारा। अब इससे लंबा और कितना बड़ा परिवार होगा आपका, ये ससुराल कम चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। कुछ कहा क्या तुमने बेटा? नहीं मम्मी जी, वो मैं बहुत थक गई हूँ तो क्या अब मैं सोने जा सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, चिराग बहू को अंदर कमरे में लेकर जा। जी माँ। चिराग रोशनी को अंदर कमरे में लेकर जाता है। चिराग मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। ये तुम क्या बोल रही हो रोशनी, अभी तो आई हो तुम और अभी अलग होने की बात कर रही हो, परिवार वालों को पता चलेगा तो कितने दुखी होंगे वो लोग। मुझे नहीं मतलब किसी से, और इसे तुम परिवार कहते हो, ये परिवार कम कोई गली मोहल्ला ज्यादा लग रहा है। रोशनी अभी तुम नई हो इस परिवार में इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है, कुछ दिन में आदत हो जाएगी तुम्हें। चिराग की बात सुनकर रोशनी अपना सर पकड़ लेती है। आपको समझाना तो दीवार में सर पटकना है, मैं सो रही हूँ, लाइट ऑफ मत करना, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। इतना बोलकर रोशनी बिस्तर पर लेट जाती है। रोशनी को देखकर चिराग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो भी पैर पटकते हुए बिस्तर के दूसरे कोने में अपना मुंह मोड़कर सो जाता है। अगले दिन, देवरानी जी आप उठ भी जाइए, सुबह के 6 बज चुके हैं। सोने दो ना मम्मी, क्यों परेशान कर रही हो? देवरानी जी मैं आपकी मम्मी नहीं जिठानी हूँ। सुबह सुबह क्या मजाक है मम्मी। इतना कहकर रोशनी अपनी आंखें मसलते हुए उठती है और अपनी जिठानी को देखकर चौंक जाती है।
दीदी आप यहाँ? पिछले एक घंटे से तुम्हें उठा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि अब उठ रही हो? लेकिन अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं, आपने मुझे उठाया क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज तुम्हारे इस घर में पहली रसोई है, तो खाना आज तुम्हें ही बनाना होगा ना? क्या मुझे पूरे मोहल्ले के लिए खाना बनाना पड़ेगा? नहीं रोशनी, तुम्हें पूरे मोहल्ले के लिए नहीं, सिर्फ परिवार के लोगों के लिए ही खाना बनाना है। आपका परिवार किसी मोहल्ले से कम है क्या? कुछ कहा क्या तुमने? हाँ नहीं दीदी, आप चलिए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। आरती वहाँ से चली जाती है, जिसकी थोड़ी देर बाद रोशनी भी रसोई में जाकर मजबूरी में सबके लिए खाना बनाने लगती है। पूरे 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसका खाना बनकर तैयार होता है। वाह बहू, खाना तो बड़ा स्वाद बना है। सच में बहू, तुमने भले ही बहुत देर लगाई खाना बनाने में, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। आपके हाथों में तो जादू है देवरानी जी। मैं तो कहती हूँ अब से रोज आप ही खाना बनाया कीजिए, क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। रोशनी आज से रोज तुम ही खाना बनाना। ये सुनकर रोशनी चौंक जाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग रोशनी को शगुन का नेक देते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। क्या यार रोशनी, इतना टेस्टी खाना बनाना जरूरी था क्या? अब फंस गई ना तू। ये सब माँ पापा की वजह से हो रहा है, उनके कारण मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। रोशनी गुस्से में अपने रूम में जाती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, आपने जानबूझकर मुझे इतने बड़े परिवार में भेजा है जहाँ मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हमने ये सब इसलिए किया ताकि तू अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना सीखे। अब मायके की तरह ससुराल में भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ लेना। मुझे नहीं रहना माँ यहाँ, इस घर में जितने लोग हैं उतने तो हमारे गली मोहल्ले में भी नहीं थे। माँ मैं आपसे आपकी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। बिल्कुल नहीं, अब से वही तेरा सब कुछ है। वहाँ से भागने के बजाय अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना सीख, इससे हमें भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी। माँ की बातों से निराश होकर रोशनी फोन काट देती है, जिसके बाद उसकी नजर नेक में मिले पैसों पर पड़ती है और वो फटाफट से बिस्तर पर बैठकर पैसे गिनना शुरू कर देती है। अरे वाह, ये तो पूरे 25,000 रुपए हैं। किसी ने भी 5100 से कम का नेक नहीं दिया। चलो अच्छा है, कुछ तो फायदा हुआ इतने बड़े परिवार में शादी करने का। अब इन सब पैसों से मैं अकेले शॉपिंग करूंगी, बहुत मजा आएगा। शॉपिंग के बारे में सोच सोच कर ही रोशनी अपने बिस्तर पर कूदने लगती है। उसे बिस्तर पर कूदता देख सभी लोग चौंक जाते हैं। भाभी आप ऐसे क्यों उछल रही हो, छोटी बच्ची हो क्या? अपनी ननद की बात सुनकर रोशनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी देर बाद रोशनी घर में बिना बताए शॉपिंग के लिए निकल जाती है और शगुन में मिले पूरे पैसों को शॉपिंग में उड़ा देती है। शाम में, देवरानी जी कहाँ गई थी आप? जानते हैं सब आपके लिए कितना परेशान हो गए थे, कम से कम आपको बताकर तो जाना चाहिए था ना। सॉरी दीदी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। वैसे इतने सारे बैग किस चीज के हैं? तुम शॉपिंग करने गई थी क्या? हाँ दीदी, वो आज नेक में इतने सारे पैसे मिले थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन पैसों की शॉपिंग ही कर लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। मम्मी पापा सिमरन देवर जी सब बाहर आइए, देखिए रोशनी हम सब के लिए क्या लाई है। रोशनी कुछ समझती उससे पहले ही वहाँ सब लोग आ जाते हैं। क्या हुआ आरती बहू, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखिए ना माँ, रोशनी हमारे लिए शॉपिंग करके आई है, वो देखिए रोशनी हम सब के लिए कितने कपड़े लेकर आई है। आरती की बात सुनकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। सच में भाभी आप कितनी अच्छी हो। बेटा हम सबके लिए तुझे खरीदारी करने की क्या जरूरत थी, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तुझे अपने लिए लेना चाहिए था ना। एक काम कर, ये सारे कपड़े तू ही रख ले, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। चलो
कोई तो समझदार है इस घर में। वाओ भाभी, कितनी सुंदर ड्रेस है। ये शॉर्ट ड्रेस मुझे पता है आप मेरे लिए ही लाए होंगे, है ना? इसे मैं रख लेती हूँ। माँ, रोशनी इतने प्यार से सबके लिए कपड़े लेकर आई है, हमें मना नहीं करना चाहिए। तू सही बोल रही है बेटा, उसका मन रखने के लिए मैं ले लेती हूँ एक दो साड़ियाँ। रोशनी झूठी मुस्कान लिए खड़े होकर सब देखती रहती है। देखते ही देखते उसके लाए सारे कपड़े घर वाले आपस में बांट लेते हैं और अब सिर्फ एक रुमाल को छोड़कर उसके पास कुछ नहीं बचता। अब ये रुमाल भी क्यों छोड़ा, इसे भी ले ही लेते। इतने में ही सिमरन रोशनी को आवाज देती है। भाभी, वो गलती से रुमाल रह गया है, क्या वो मुझे मिल सकता है? रोशनी वो रुमाल भी सिमरन को दे देती है। इतनी मेहनत से मैंने ये सब कुछ लिया था, लेकिन इन लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, कुछ भी नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद रोशनी का पति भी वहां आ जाता है। मैंने सुना है आज तुमने सभी के लिए खरीदारी की है, तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई? बस फिर क्या था, इतना सुनते ही रोशनी का पारा हाई हो जाता है और वो चिराग को घूरने लगती है, जिससे चिराग डर के मारे मां से खिसक जाता है। हाय रे, फूटी किस्मत मेरी, जो ये जॉइंट फैमिली मेरे मत्थे चढ़ी। जेम्स बॉन्ड बहू। गंगानगर में सुमन अपने बेटे योगेश, बहू मीना और बेटी शीला के साथ रहा करती थी। मीना ने लॉयर की पढ़ाई की होती है और वो जॉब करना चाहती है। सुनो जी, मुझे एक डिटेक्टिव एजेंट के यहाँ जॉब मिल रही है। जॉब? वो भी डिटेक्टिव का? अरे ओ बहू, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम जॉब करोगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मीना घर के कामकाज पर ही ध्यान देने लगती है, सुमन भी उसे काम पर लगाए ही रखती है। इधर शीला कुछ ज्यादा ही वक्त कॉलेज में बिताने लगती है। अरे इतनी रात हो गई, कहाँ थी तुम बेटा अब तक? फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। माँ, वो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है ना, और फोन की ना बैटरी खत्म हो गई थी। अरे तो किसी और के फोन से इन्फॉर्म कर देती, माँ और मुझे कितनी चिंता हो रही थी। धीरे धीरे शीला रोज ही देरी से घर आने लगती है, कभी पढ़ाई का बहाना बनाती तो कभी कुछ और। देखो शीला, इस तरह चला तो मैं तुम्हारा कॉलेज बंद करवा दूंगा। ऐसा मत बोलिए ना, मैं समझाती हूँ इसको। मीना शीला को समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उल्टा उसे ही झाड़ देती है। शीला, इस तरह घर रोज लेट आना अच्छी बात नहीं है। मुझे मत सिखाओ, बहू हो तो बहू के जैसे रहो। अरे मगर मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ ना शीला। दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। मीना अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाने लगती है। वो शीला की FB और इंस्टा प्रोफाइल्स को अच्छे से चेक करती है और उसको शक हो जाता है कि शीला का चक्कर किसी साहिल नाम के लड़के के साथ चल रहा होता है। वो शीला को समझाने की कोशिश करती है। शीला, वो लड़का अच्छा नहीं है, उसे छोड़ दो तुम। मेरे मामले में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो, वैसे भी मैं उसको भैया और माँ से मिलाने ही वाली थी। हाँ। थोड़े दिन बाद शीला का BF साहिल अपने पिता के साथ उसका हाथ मांगने आ जाता है। मैं शीला से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ जी। मेरा बेटा और शीला एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मेरा बेटा बहुत ही जल्द दुबई काम के लिए जाने वाला है। दुबई? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है वहाँ। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो हम इन दोनों का रिश्ता कर देते हैं। सीमा दुबई का नाम सुनकर प्रभावित हो जाती है और योगेश से सलाह मशवरा करके रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। अजी, अब जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। आप तो उसके दुबई जाने से पहले ही शादी तय कर दीजिए। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? बस दुबई का नाम सुनते ही माँ जी उनकी बातों में आ गई, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब सुनिए जी, आपको नहीं लगता माँ जी ने रिश्ता तय करने में जल्दबाजी कर दी है? हाँ सो तो है, बस मुझे तो ये लग रहा है कि हमें पहले लड़के और उसके परिवार की अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए।
तुम माँ के फैसले पर शक कर रही हो मीना? नहीं नहीं जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था? चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो और घर की मुखिया बनने की कोशिश मत करो। हे भगवान, ये ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। मीना अपना डिटेक्टिव माइंड लगाती है और साहिल और उसके परिवार के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है। तभी साहिल के पापा उनके घर कॉल करते हैं। जी वो साहिल की दुबई जाने की टिकट करवा रहा था, अगर आप हाँ बोले तो शादी होते ही शीला भी उसके साथ ही दुबई चली जाएगी। अरे नेकी और पूछ जरूर करवा दीजिए। ठीक है ठीक है, वो ना थोड़े पैसों की कमी पड़ रही थी, आप बस 1,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए हमारे अकाउंट में। जी जी जरूर, बेटी की खुशी के लिए कुछ भी। मीना सब सुन रही होती है। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? हम उनको अच्छे से जानते भी नहीं हैं। अरे तू चुप कर, हर वक्त टोक लगाती रहती है। मीना को जांच पड़ताल करने पर एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है। माँ जी मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज कुछ चाहती हूँ आपसे। अरे बोल भी दे। वो मेरी एक दोस्त है ना जिसका नाटक है, मैं चाहती हूँ आप सब भी चले वो देखने। अच्छा बस इतनी सी बात, ठीक है। और अगले दिन शाम को सब तैयार होकर नाटक देखने जाते हैं। स्टेज से पर्दा उठता है और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्टेज पर कोई और नहीं बल्कि साहिल और उसके पापा ही होते हैं। अरे साहिल यहाँ कैसे? माँ जी वो साहिल नहीं मयंक है, और उसके साथ उसके पापा नहीं बल्कि सह कलाकार सिद्धार्थ है, जिसे वो अपना पापा बनाकर हमारे घर ले आया था, और वो नाटक कंपनी में ही काम करता है। वो साहिल बनकर आपको चीट कर रहा था। हे भगवान! अरे अरे ये सब क्या है? माँ जी इतने दिनों से दोनों का पता लगा रही थी मैं, तब मुझे इन सब बातों का पता चला। हमें माफ कर दो मीना, हमने हमेशा ही तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तुमको नीचा दिखाया। आई एम सॉरी भाभी। हाँ बहू, आज तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है, तुम तो सच में डिटेक्टिव हो डिटेक्टिव। ऐसा मत बोलिए माँ जी। अरे नहीं बेटा, हम लोग हमेशा बेटी और बहू में अंतर करते थे, मगर अब से ऐसा नहीं होगा, अब से तू अपने पसंद की जॉब करेगी और एक डिटेक्टिव बनेगी, हमारी बहू जेम्स बॉन्ड।